हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट मेथड्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में दो क्वेश्चन एटलीस्ट मान के चलो उससे आ जाते हैं। तो कुछ शॉर्टकट देखेंगे इस वीडियो में। इसके पहले भी एक शॉर्टकट वीडियो बना चुके हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। इसके अलावा इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा तुम लोगों का, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका टाइम कल का होगा 10 AM to 11 AM। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका भी लिंक मिल जाएगा, एज वेल इसका एक पुराना शॉर्टकट वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लेना, काफी हेल्पफुल होगा फर्दर एग्जाम्स के लिए तुम लोगों के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या ट्रिक होती है, ये जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, अगर ये सिमेट्री में है और बीच में माइनस साइन है, ध्यान रखना सिमेट्री में है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और बीच में माइनस साइन है, तो उसका सम जीरो ही आता है, ये जरूर चेक कर लेना। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन सिमेट्री, सिमेट्री मतलब देख रहे हो बी माइनस सी, देन सी माइनस ए, तो थर्ड नंबर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी आना चाहिए, ठीक है, और आ रहा है, इट मींस कोफिशिएंट सिमेट्री में है एंड नेगेटिव साइन इज देयर, बिटवीन देम माइनस साइन उनके बीच में है, यहां माइनस साइन दिख रहा है, यहां माइनस साइन दिख रहा है, यहां माइनस साइन दिख रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल, कोई श्योर नहीं है, इट मे बी पॉसिबल that x is equal to 1 is its 1 root, ऐसा हो सकता है कि x is equal to 1 उसका एक रूट हो। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दे रखी है b माइनस सी x स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो चेक कर लो क्या वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वन रख दो एक्स के प्लेस पे और ये सारा कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। इसका मतलब वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब उसका एक रूट वन है और दे रखा है रूट्स आर इक्वल, इट मींस इसके दोनों ही रूट्स वन होंगे, एक रूट वन आ रहा है, दूसरा भी क्या आ जाएगा वन, वन कॉमा वन, दोनों ही रूट्स इसके वन आ जाएंगे और दोनों ही रूट्स वन आ गए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता होता है अल्फा इनटू बीटा, क्वाड्रेटिक में क्या आता है कॉन्स्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट वन इंटू वन, कॉन्स्टेंट टर्म यहां पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी माइनस सी आ रहा है। ठीक है, वन इंटू वन वन हो जाएगा, हेंस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब ए बी सी किस में हो जाएंगे, एपी में, और हमसे ए प्लस सी की वैल्यू पूछी गई तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी टू बी। इसी का इससे भी छोटा वर्जन एक देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, लेट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एंड इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो आता है, कोफिशिएंट का सम जीरो आता है, तो सीधे सीधे बोल देना ए इज इक्वल टू सी। तो लॉजिक इसका हमने समझा दिया, कोफिशिएंट सिमेट्री में है, उन सबका सम अगर जीरो आ रहा है तो वन उसका एक रूट होगा और अगर इक्वल रूट है तो दूसरा रूट भी वन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से डायरेक्टली आ जाता है। तो इसको याद रखना, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसके रूट्स रियल हैं एंड इक्वल हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो आता है, तो सीधे सीधे ए इज इक्वल टू सी कर देना। ए इज इक्वल टू सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, सिंपल। तो आई होप ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं, लाइक जैसे ये क्वेश्चन देखो सेकंड, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है आर इक्वल, ठीक है, इसका सम जरा निकाल लो, कोफिशिएंट का सम जीरो आएगा, करके देख सकते हो, रूट्स इक्वल है तो सीधे सीधे यहां पे लगा दो कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई होप अब ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो डायरेक्टली। टू ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो b आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी, और ये रिजल्ट आई होप सबको पता होगा, अगर b 2ac अपॉन a प्लस सी आ रहा है इसका मतलब abc किस में है, abc आर इन hp, abc आर इन hp, इट्स आंसर इज c। तो इस तरह के शॉर्टकट पता होना मस्ट है, तभी स्पीड मेंटेन करी जा सकती एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लोगे, अगर रूट्स इक्वल दे रखे हैं और कोफिशिएंट सिमेट्री में है तो सीधे सीधे उसका सम करके देख लो, अगर जीरो आ रहा है दिख जाएगा, तो सीधे सीधे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहां से रिजल्ट आ जाएगा। चलो एक कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और देखते हैं, लाइक ये दे रखा है, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट बी इज इक्वल टू, यहां से b आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी, इसका मतलब होता है abc आर इन hp, abc hp में हो जाते हैं। अब हम ये रिजल्ट निकाल के इसके रूट्स पूछे गए हैं कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो, रूट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी मतलब डी लेस देन जीरो, तो चौथा ऑप्शन तो इररिलेवेंट ही है पूरी तरीके से, क्योंकि इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, या तो डी नेगेटिव होगा या डी पॉजिटिव होगा या डी जीरो होगा। तो ऐसे केस में शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, शॉर्टकट क्या हो सकता है, ए बी सी तुम्हें दे रखा है एच पी में, अगर हम ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में उठा के रखते हैं थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो ए बी सी को कुछ एज्यूम कर लो, यहां पे हम एबीसी को कुछ एज्यूम कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू सिक्स, तो इसका रेसिप्रोकल चेक कर लो, क्या ये एपी में आएगा, ये कुछ रिजल्ट्स हैं इस तरह के याद कर लो, जिसमें एग्जाम में तुम्हें तुरंत वैल्यू याद रहे, चेक करने की जरूरत ना पड़े।
क्या ये एपी में है, अगर ये एपी में हुआ तो ये नंबर्स एचपी में हो जाएंगे। तो एपी में कब होता है, बीच वाले का ट्वाइस एडजेसेंट के सम के बराबर आता है। फोर बाई सिक्स मतलब टू बाई थ्री आ रहा है, इट मीन्स वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई सिक्स एपी में है, हेंस ये नंबर्स एचपी में है। तो याद कर लो, ये वैल्यूज काफी काम आएंगी तुम्हारे, ये एचपी में होंगे, ठीक है। अब यहां पे सीधे हम रख देंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ए को टू रख दो, बी को थ्री रख दो, और सी को सिक्स रख दो, और डायरेक्टली अब यहां पे आसानी से डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर क्या है, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नेगेटिव आ रहा है, इट मींस रूट्स आर इमेजिनरी। सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, सी, रूट्स आर इमेजिनरी, क्लियर है बात। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, और हिट एंड ट्रायल मेथड इज द मेथड ऑफ रिजेक्शन। और इस हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए भी एक वीडियो हमने बनाया था जो मस्ट वॉच है, देखना बहुत जरूरी है उसको, अदरवाइज एग्जाम में बहुत गलतियां होती हैं इस तरीके की। तो हिट एंड ट्रायल मेथड इज मेथड ऑफ रिजेक्शन, तो ए गलत है, बी गलत है, सी उस केस में सही हो जाएगा। और लेकिन नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन है, वैसे यहाँ पे तो नन ऑफ दीज इररिलेवेंट ही हो गया था इसलिए हटा ही दिया, वो कभी आंसर आ ही नहीं सकता, बिकॉज तीन ही चीजें हो सकती हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। लेकिन नन ऑफ दीज अगर होता है तो इस तरह के हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अप्लाई करे जाते हैं, जिसका जिस पे बेस्ड एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हो, तो वहां से आइडिया लग जाएगा कि ये नन ऑफ दीज कितना खतरनाक ऑप्शन होता है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, लेट ए बी सी आर रियल नंबर, वन इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैज रूट्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब डी जीरो, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी मतलब लेस देन जीरो, ठीक है। रैशनल में क्या होता है, रैशनल में डिस्क्रिमिनेंट जो आता है परफेक्ट स्क्वायर आता है, डी पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक रूट वन है। अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, कोई भी एक दूसरा रूट ले सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पे भी लगा रहे हैं, लेट अदर रूट बी टू, कुछ भी ले सकते हो अदर देन वन, कुछ भी ले लो, अदर रूट को टू ले लो। अब अगर हमें दो रूट्स पता होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। तो दो रूट्स वन और टू दे रखे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, सम हो जाएगा थ्री, प्रोडक्ट हो जाएगा टू, इसको और इसको कंपेयर करा लो, तो ए की वैल्यू वन आ रही है, बी की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है, एंड सी की वैल्यू टू आ रही है, ठीक है। कंपेयर करा कि ये जो वैल्यूज हैं उठा के सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये ए को रख दो वन, बी को रख दो माइनस थ्री, तो ये माइनस नाइन एक्स हो जाएगा, टू सी मतलब फोर आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, याद है, क्लियर है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर 81 माइनस फोर ए सी। पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सीधे सीधे आंसर आ गया। तो इस तरह के मेथड्स काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। आगे फर्दर और इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियोस इस तरह के रेगुलर मिलते रहेंगे। और इस तरह के मेथड से एग्जाम में अच्छी स्पीड मेंटेन करी जा सकती है, एज वेल एज जैसा कि हमने बताया इस पे बेस्ड दो और वीडियोस हैं क्वाड्रेटिक पे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसको देख सकते हो। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट कल ड्यू है तो कल 10 से 11 बजे टेस्ट होगा, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके।